देख सकते हो आप, टी शर्ट का लुक देख सकते हो। वाओ, मैं जा रही हूँ दी की ननद के पास क्योंकि मैंने अपना सूट देना था सिलवाने। दादा तो हमने कितना मजा किया है जिंदगी में। गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और अल्लाह का फजल है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइज, आज मैं अपनी नानी के घर के साथ से मीन्स की नानी का ये पुराना घर है, ऊपर नया वाला घर है, तो यहाँ से मैं अपनी व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ तहसीलदार ऑफिस, क्योंकि आपको पता है हमारे घर की हालत क्या हुई थी और बस वही मैंने एप्लीकेशन देनी है हमारे आगे रास्ते की, तो बस वही जा रही हूँ। अभी कज़िन को रुक रही थी और अभी मैंने ऐसे दुपट्टा भी अभी नहीं लगाया है, तो बस दुपट्टा शुपट्टा लगाती हूँ और फिर निकलते हैं और वहीं मिलते हैं आपसे। अगर आगे भी बाइक होती तो ज़्यादा ही मज़ा आ जाता। हाँ तो मरी गई है, पता है क्या करेंगे, ऑटो में जाएंगे यार। रुको, कुत्ता है। ओए भरोसा नहीं है आज के कुत्तों का बाबा। पौड़ियाँ बहुत थका देती हैं। हाय खुदाया, अभी सोनू अभी दे रहा है जूस हम दोनों के लिए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ। सोनू ले रहा है जूस और मैं बाहर ही खड़ी हूँ, मेरे कागज़ भी बेचारे लगा पकड़े हैं। हाय हाय, शुक्रिया। लीची है ना? हाँ, माय फेवरेट लीची। मैंने अपने डोमिसाइल का अप्लाई कर दिया, बस अभी हम जा रहे हैं तहसीलदार ऑफिस क्योंकि जैसे कि आपको कल की हालत पता ही है हमारे घर की क्या हालत हुई है। सोनू मैं बात नहीं कर पा रही हूँ। पहुँच के शुक्र है, हम गलियों से ही आए तो क्योंकि गलियों से ज़्यादा आसान पड़ता है इसलिए। अभी हम आए कोर्ट में क्योंकि वहाँ पे हमारे घर के नहीं दे रहे थे, बहुत टाइम लगा रहे थे, तो हमने बोला कोर्ट में चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन लिखा दी, अभी हम जा रहे हैं तहसीलदार ऑफिस, यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन दे देंगे। तो यहाँ पे हमने एप्लीकेशन लिखा दी है और रही बात की, तहसीलदार सर अभी थे नहीं यहाँ पे, अजान और बाद में मिलती हूँ। तो यहाँ पे सोनू ने अपने लिए शॉपिंग कर दी है, 3000 की कुछ शॉपिंग की है। यार मुझे कुछ नहीं लेके दिया मेरे भाई ने। मैं बटोर से सर मैं सच बोलूँ, मैंने बटोर से आज तक कुछ भी नहीं दिया सोनू। चल वो वाला पिंक सूट ले, वो वाला पिंक सूट लेके देता हूँ। तुझे मैं ये शूज़ लेके देती हूँ यहाँ पे लगे हुए। सो यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ घर और मेरे को एक टाइम पे बड़ा गुस्सा आया क्यों, जब मैं ये एप्लीकेशन जो है ये लेके गई थी मैं कहाँ पे, तहसीलदार ऑफिस, जब मैंने वहाँ पे पूछा इनको तहसीलदार सर है यहाँ पे, तो वो एक दीदी थी वहाँ पे, उनको तमीज़ ही नहीं बात करने की क्योंकि यहाँ को यहाँ पे पता ही नहीं है कि आप अगर कोई आ रहा है ये आपको तमीज़ है बात करने की, आप कैसे बात कर रहे हो, बिल्कुल भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है कोई, और अगर आपसे छोटा ही होगा कोई तो उसकी भी तो रिस्पेक्ट करोगे आप, मगर उनको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं थी बात करने की और मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है। बट मैंने थोड़ा सा वो ही कर लिया, कोई मसला नहीं, कुछ नहीं होता है, बट उनको ऐसा होता है कि अगर हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो हमारा एटीट्यूड होगा, बट ऐसा नहीं होता, एटीट्यूड रखना नहीं होता है, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा था उस टाइम पे मैं। बट ये है कि एप्लीकेशन मैंने लिखा ली और कल मैं एप्लीकेशन लेके जाऊँगी तहसीलदार सर के पास, तो उम्मीद करती हूँ कि वो हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे और हमारे को आगे यहाँ पर रास्ता बना के देंगे। चढ़ाई थी यहाँ पे राजमा की दाल, बट राजमा की दाल बनते बनते बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा प्याज टमाटर की चटनी क्यों ना बनाई जाए, तो वही खाना खा लूँगी प्याज टमाटर की चटनी से, क्योंकि दाल को बनने में बहुत टाइम लगता है राजमा की दाल को, तो मैंने बोला टमाटर प्याज की चटनी में पहले हम खाना खा लेंगे उसके बाद दाल का सोचेंगे। सब्जी देख रहे हो आप, लुक देख रहे हो सब्जी का, मुझे भूख लगी ना इस टाइम में कच्ची भी खा लूँ क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी है, टमाटर गलने को नहीं आ रहे। गंजा सिंह सिंह गल जा रे। समझ नहीं आती है गवर्नमेंट चेयर पे बैठ के पता नहीं कैसे कैसे ये जो वो थे क्या समझ लेते हैं अपने आप को, क्योंकि मेरी बहन भी गवर्नमेंट चेयर पे ही है मगर वो सबकी हेल्प करती है, ऐसे इनको पता नहीं किस चीज़ का एटीट्यूड है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता है। आज बड़ी अच्छी शर्ट लगाई है, जरा टी शर्ट दिखा दीजिए, इधर आइए देख सकते हो आप टी शर्ट का लुक देख सकते हो। वाओ, किसके साथ मैरी करने जा रहे हैं? और ये भी एक मुंह छुपाते हुए हैं हमारे कजिन, और ये भी एक लेटे हुए हमारे कजिन है जो लेट चुके हैं सिर्फ,
गिर चुके हैं, लेट चुके हैं, गिर पड़े। साहिल भाई का खत तो बड़ा सही बनाया, मगर गौर से देखिए आप कुछ ऐसी खत। जा रही हूँ दी की ननंद के पास, क्योंकि मैंने अपना सूट देना था सिलवाने, तो बस अभी जाएंगे। मैं अभी तानिदी का वेट कर रही हूँ, तानिदी आएगी। मैं थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। इस रास्ते में मैं बचपन ही तो मैं बहुत छोटी थी, 10th में 9th में थी, तब हम इधर से घूमते थे फिरते थे, बहुत मज़ा आता था इस रास्ते से। और तब वालों की एक बार बेडू था इनको, तो वही हम वहाँ पे यहाँ से घास खिलाने आते थे उसको, बहुत बहुत घंटे यहाँ पे बैठते थे। ये हमारे से यादें बहुत हैं, इस रास्ते से हमारी यादें बहुत जुड़ी हुई हैं। कितना मज़ा आता था, हमने कितना मज़ा किया है ज़िंदगी में। तो अभी बस चल रहे हैं हम, यहाँ पे ढूंढ रहे हैं घर, बट हमें मिल नहीं रहा, मगर शायद मुझे लगता है यही है। ये शायद सब दीदी यहाँ से देख रही थी ना उस दिन, शायद यही है। हाँ यही है शायद, नहीं क्यों नहीं पता था, मुझे लगता तो है यही है। ले जिस घर में गए थे वो घर नहीं था, बट ये वाला घर है, बट यहाँ ताला है। टूट देने तो बस अभी हम बैठे हैं। फ्रॉक सिलवाया और फ्लेयर सिलवाया तो मैंने कहा बहुत प्यारे से सीना। तो बस वो सूट सूट सी लिया मैंने, और मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बस अब भी पहुंची हूँ घर और बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। मैंने सोचा आपसे भी मिल ही जाती हूँ, तो बस आपसे मिल गई। और क्या कर रहे हो आप, क्या हाल चाल है आपके, घर में सब ठीक है, इसका आंसर आप मुझे दे देना कमेंट में। और बस कुछ भी नहीं, अभी मैं पहुंच चुकी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी आज दिन भर, क्योंकि दिन भर मेरे को आज भाग दौड़ बहुत हुई। कभी मुझे कोर्ट में जाना पड़ा, कभी यहाँ पे, कभी मैंने फोर्थ स्टेट वाली शॉप थी एक, तो वहाँ पे तो वो करके ही नहीं देने लगे मुझे फोर्ट, वो मैंने एप्लीकेशन लिखानी थी तो वो मुझे वो निकालने नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, वो नहीं निकालते, उनके पास टाइम नहीं था, वहाँ पे एक भी बंदा नहीं था और तब भी उनके पास टाइम नहीं था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसलिए क्या ही क्या बोलूँ अब छोड़ो। तो इसलिए फिर मैं चले गई कोर्ट में, और यहाँ पे हमारे मोहल्ले में हैं शाउन भैया, वो वकील हैं, उन्होंने हमारी बहुत मदद की, उनने बोला कि इनको जल्द जल्दी से बना के दे दो एप्लीकेशन, ये वो एंड ऑल, तो जो भी वो सब कुछ हमारा हो गया क्लियर, और एप्लीकेशन मैंने लिखवा दी, और कल अब मैं दे दूँगी इनको, जो तहसीलदार सर है उनको वो दे देनी है, बात खत्म। कुछ भी नहीं, बस बैठी थी, मैंने सोचा कि अब ब्लॉगर इन एंड मैं सो अभी तो बस मैं बैठी थी और मैंने सोचा ब्लॉग एंड कर लेती हूँ। तो ब्लॉग एंड करने की बारी आई, तो आपको पता ही है मैं क्या करती हूँ, किसी भी रीजन से पसंद आया होगा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल एंड कीप स्पोर्टिंग।